पीसीएस इंश्योर प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने डिस्कॉम को प्रोत्साहन के कार्यान्वयन से संबंधित योजना के दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। डिस्कॉम को प्रोत्साहन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिया जाना है। बता दें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत डिस्कॉम को 4,950 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। चलिए अब जानते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 में की थी। इसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना सब्सिडी से सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस योजना की पात्रता के लिए परिवार का सदस्य भारतीय नागरिक होना चाहिए। परिवार के पास एक ऐसा मकान होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो। इस योजना के प्रमुख लाभ होंगे घरों के लिए मुफ्त बिजली, सरकार के लिए बिजली की लागत कम हो जाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। चलिए अब जानते हैं डिस्कॉम को प्रोत्साहन के दिशा निर्देशों के बारे में। इस प्रोत्साहन तंत्र का उद्देश्य डिस्कॉम से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। बता दें कि बड़ी बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनियों को डिस्कॉम कहा जाता है। इस योजना के तहत डिस्कॉम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। डिस्कॉम नेट मीटर उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों को चालू करने सहित विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है। डिस्कॉम को प्रोत्साहन देने के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4,950 करोड़ रुपए होगा। इसमें डिस्कॉम के फील्ड स्टाफ को पहचानने और प्रेरित करने के लिए एक सांकेतिक पुरस्कार प्रणाली का भी प्रावधान है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। दो, यह योजना सब्सिडी से सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।